मैं हूं आपका होस्ट आरजे भवानी, शो का नाम है तेज सरार। मिलूंगा नेक्स्ट वीक कुछ अच्छा कंटेंट लेके और इसी तरह से आपको एंटरटेन करते हुए। फिलहाल ये दो गाने आपके लिए ये रहे। आ गए, दो सेकंड तो दे देते यार, खाना भी नहीं खाया है और अपना यही है एंटरटेनर्स। चलो यार, दिस इज तर्रार। अरे क्या ढूंढ रहे हो? जिप्सी? सब्सक्राइब नहीं किया ना अब तक के? कहाँ से आएगी जिप्सी? खैर, आज बात करने वाले हैं हम तेज तर्रार शो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ की, जो कि गाड़ी में होती है, लेकिन वो मैं भूल रहा हूँ। अभी क्या है वो? ओ हाँ, आज इस शो में हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग की, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले लीजिए ये ऑटो अपडेट्स आपकी तरफ। ये रहे Top updates from the auto world. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार को देखते हुए कई वैश्विक कंपनियां भी आकर्षित हो रही हैं। इसी क्रम में अब चेक रिपब्लिक की कार निर्माता स्कोडा ऑटो भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार को लाने की तैयारी में। कंपनी ने जून 2021 में इंडिया प्रोजेक्ट 2.0 के तहत पहली SUV कुशाक का लॉन्च किया था। ह्यूंडई अपनी आयोनिक 5 कार से भारत में कल पर्दा उठाएगी। इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को इंटरनेशनल बाजारों में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। इस कार की बुकिंग 20 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में टियागो ईवी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। टाटा की हाल ही लॉन्च हुई टियागो, टिगोर CNG और नेक्सॉन ईवी मैक्स जैसे मॉडल्स को बिक्री के मामले में शानदार रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए भारतीय बाजार में कई नई कारों को पेश करने की योजना बना रही है। तो गाइस ये तो थे इस हफ्ते के ऑटो अपडेट्स। आइए जानते हैं आज के ट्रेंडिंग सवाल में हमें क्या पूछा है दिल्ली में रहने वाले नवीन से। जानते हैं क्या है उनका ट्रेंडिंग सवाल। आपसे ये है कि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ज्यादा बेटर है या पावर स्टीयरिंग? जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है ना, उसकी फंक्शनिंग के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड इस्तेमाल होता है जो इंजन से पावर लेता है, जिसकी वजह से इंजन यूज होता है। ऑन दी अदर हैंड, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग या EPS होती है ना, वो इसकी मदद नहीं लेता है। Instead, it takes power from an electric motor, which means कि it doesn't put any load on the engine. तो इसका मतलब ये है कि आप EPS को जिस भी direction में जितना turn करेंगे, वो exactly उतना ही respond करेगी। तो देखो, EPS के better होने के कितने reasons हो गए? Better fuel, better economy, lesser wear and tear, and better response. So yes, Naveen bhai, you can definitely go for electric power steering. तो भाई auto updates आपने जान लिए, trending सवाल भी आपने जान लिया। चलिए अब हम जानते हैं आज के मिथ बस्टर्स में कौन सा मिथ बस्ट होने वाला है। तेज तर्रार मिथ बस्टर। ऑल व्हील स्टीयरिंग कार्स इस मैनर में डिजाइन की गई होती हैं कि स्लो स्पीड्स में, यूजली जब आप कार पार्क कर रहे हो या शार्प कट्स ले रहे हो, तब वो काउंटर स्टीयरिंग का इस्तेमाल करती हैं। काउंटर स्टीयरिंग का मतलब सेम वर्ड काउंटर की तरह। अगर आप स्टीयरिंग राइट की तरफ मोड़ते हैं तो आगे के टायर्स राइट की तरफ मुड़ेंगे और पीछे के टायर्स उसे काउंटर करते हुए हल्का सा लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। इससे आपकी कार और भी ज्यादा स्मूथली और शार्पली पार्क हो जाएगी उन टाइट स्पेसेस पे, और आप शार्प कट्स भी ले सकते हैं। इसका ऑपोजिट होता है जब आपकी कार हाई स्पीड में होती है। जब आप हाईवेज पर या मेन रोड्स पर फोर व्हील स्टीयरिंग कार ड्राइव कर रहे हैं और लेन चेंज करने के लिए आप राइट या लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो आपकी कार के सारे टायर्स उसी डायरेक्शन में सेम एंगल में टर्न लेते हैं, जिसे क्रैब वॉक बोलते हैं। तो इसी स्मार्ट वे में फोर व्हील स्टीयरिंग कार का मैकेनिज्म वर्क करता है और आपकी कार हाई स्पीड और लो स्पीड में अपने आप काउंटर या क्रैब स्टीयरिंग में तब्दील कर देती है। तो गाइस एक होती है नॉर्मल ह्यूमन वॉक, कैसे ये देखिए, और दूसरी होती है क्रैब वॉक, कौन सी ये देखिए। देखिए मैं आपको टॉपिक से इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको वापस लेके आ रहा हूँ स्टीयर करके बैक टू द शो, क्योंकि आज का ये वर्ड ऑटो डिक्शनरी में भी है। तो ये जानते हैं क्या है तेज तर्रार ऑटो डिक्शनरी। अगर आप फोर व्हील स्टीयरिंग कार ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार की स्पीड अप्रॉक्स 60 km/h या उससे ज्यादा है, और आप लेन चेंज करने के लिए स्टीयरिंग को राइट की तरफ टर्न करते हैं, तो आपकी कार के चारों टायर्स राइट की तरफ सेम एंगल पर टर्न करते हैं एंड द कार चेंजेस इट्स लेन स्मूथली। और ये हमें हाल ही में देखने को मिला है सबसे नई लॉन्च हुई US में हम्वी की EV में। इस चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड प्लेस की प्रोसेस को क्रैब वॉक कहा जाता है।
तो गाइस आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये शो अच्छा लगा होगा, जहां आपने स्टीयरिंग के बारे में बहुत सारी बातें करी। आऊंगा मैं नेक्स्ट वीक ऐसा ही कुछ अच्छा कंटेंट लेके आपकी खिदमत पे। टिल देन दिस इज भवानी योर आरजे साइनिंग ऑफ। शो का नाम है तेज तर्रार, मिलूंगा नेक्स्ट वीक। बाय बाय, इससे पहले खत्म कर रहा हूं क्योंकि गाड़ी आ रही है। बाय बाय। दिस इज तर्रार।